I have told you that today we will discuss some more related questions of age and there are questions which are left. So, देखो सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद जितना स्टेटमेंट आपको समझ में आता है, यू विल ऑल्सो मेक द स्टेटमेंट, यू विल ऑल्सो मेक द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है. नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यू बेस्ड सेज दैट हरीश डिस्ट्रीब्यूटेड लड्डूज इन अ बॉक्स अमंग पुअर चिल्ड्रन. ठीक है. हरीश ने कुछ लड्डूज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं पुअर चिल्ड्रंस के बीच में. ठीक है. नाउ इट इज टेलिंग योर ऑन द फर्स्ट डे ही गेव अवे 1/3 ऑफ लड्डू. ऑन द सेकेंड डे ही गेव अवे 1/4 ऑफ लड्डू रिमेनिंग लड्डू एंड ही गेव अवे 8 लड्डूज ऑन द सेकेंड डे. हाउ मेनी लड्डूज वर देयर इन द बॉक्स टू बिगिन विथ, मतलब सबसे शुरुआत में कितना था. तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं. हम जस्ट एक एज्यूम करते हैं कि सपोज इफ वी आर डिस्कसिंग, लेट मी राइट द हेडिंग, कोमेट, टुडेज डेट इज 26/11. ठीक है, 20. नाउ इफ यू सी आई एम टेलिंग यू कि मेरे पास शुरुआत में सपोज 20 लड्डू थे. ठीक है. यस मैम, अगेन योर पेन विच इज लो. No, ma'am. About that, somebody who is distributing the laddus to poor children, suppose he had or she had 20 laddus in beginning. ठीक है. Suppose मेरे पास या मैं ही distribute कर रही हूँ, तो मेरे पास शुरुआत में 20 लड्डू है. मैंने decide किया कि मैं कुछ laddus first day distribute करूंगी, कुछ लड्डू second day distribute करूंगी, और जो बचा होगा वो लास्ट में देखा जाएगा. ठीक है. तो सपोज फर्स्ट डे मैंने इसका हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा मैं सोच रही हूँ, हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 10. ठीक है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 10. इट मींस फर्स्ट डे आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द लड्डू विच आई हैड. इट मींस आई हैड 20 लड्डू, तो उसमें से हाफ कितना हो गया 10, मतलब 20 का 10 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब जब मैंने 20 में से 10 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब मेरे पास कितना लड्डू है, पहले ये बताओ. अब मेरे पास कितना लड्डू है, यू ओनली टेल मी हाउ मेनी लड्डू आई हैव. 10. 10 ओनली. यस, नाउ आई हैव 10 लड्डूज विथ मी. तो अगर मुझे जो भी डिस्ट्रीब्यूट अभी करना है वो उस 10 में से डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, क्योंकि 20 थे, 20 में से 10 तो चले गए पहले ही दिन. मतलब अब जो मेरे पास है वो 10 है. अब मुझे जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना इस 10 में से करना है. तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस 10 का, सपोज 10 का मान लो 3 डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं, 10 में से 3 डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने. ठीक है. तो सेकंड डे उस 10 में से 3 डिस्ट्रीब्यूट किया और अब मेरे पास कितने बच गए, 7. तो 7 कैसे आया होगा, 10 माइनस 3 किया तो बचा कितना, 7. इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले वी विल हैव दैट हाउ मच वी हैड अर्लियर. हम लोग इस कॉन्सेप्ट में 20 की जगह पर रखने वाले हैं क्या, बिगनिंग में x. क्यों x रखने वाले हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमको पता ही नहीं है. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको पता ही नहीं है कि किससे शुरुआत हुई थी. ठीक है. तो अब हम इसमें क्वेश्चन में जहां जहां 20 था वहां वहां हम x रखेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी 3 था, इट वॉज 3 वैल्यू बेस्ड है ना. हरीश had x laddus in the beginning. ठीक है. it means it is in the beginning he had x laddus. Now on the first day he is telling, on the first day he has distributed 1/3 of laddu. He had x, 1/3 of x means x by 3. It means x by 3 laddu he has given to poor children on the first day only. ठीक है, पहले ही दिन दे दिया. अब जब इसने इसमें से इतना दे दिया तो अब बचा कितना, we'll write it down. जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, left laddus is equal to x था पहले से उसके पास, x upon 3 उसने दे दिया. अब उसके पास कितना बचा, लेट अस टेक इट आउट, इट विल गिव यू 3, 3x माइनस x,
which will give you 2x upon 3. इतना लड्डू उसके पास पहले दिन के बाद देने के बाद बचा है. अभी now tell me, are you understanding till here or not? यहाँ yes ma'am clearly. ठीक है, ये अभी तक का पार्ट वॉज नॉर्मल पार्ट. ठीक है, अभी तक का पार्ट वॉज नॉर्मल पार्ट. अब हमने पहले दिन का दे दिया. अब क्वेश्चन कह रहा है दूसरा दिन आया. ऑन द सेकेंड डे ही गेव अवे 1/4 ऑफ रिमेनिंग लड्डू. ठीक है, 1/4 ऑफ, क्वार्टर का मतलब होता है अपॉन फोर. जैसे 1/3 लिया था 1/3, जैसे क्वार्टर का मतलब होता है 1/4. सो इट इज टेलिंग कि जो बचा हुआ है उसका 1/4 उसने सेकेंड डे दे दिया. तो नाउ सेकेंड डे हरीश हैड गिवन लड्डूज इज इक्वल टू क्वार्टर. क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग लड्डू. ठीक है, सो ये हो गया 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, लेफ्ट मीन्स 2x/3. अगर सॉल्व हो रहा होगा तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. नाउ देखो सॉल्व भी हो रहा है. 2 1 2, 2 2 4, वैल्यू आ गई x/6. यहां तक समझ में आया या नहीं आया पहले बताइए. मैम क्लियरली अंडरस्टूड. अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लीज रिप्लाई, टिल हियर हैव यू अंडरस्टूड? अदर स्टूडेंट्स क्या नहीं समझ में आया बताओ, कहां पे नहीं समझ में आया बताइए खुद से पहले देख के. मैम द सेकंड डे वन. हु इज दिस? लविष्का. Yes, ma'am. Lavishka, beta, it's not your class, my dear. Ma'am, Lavishka? Actually, yes, ma'am. Ma'am, actually, I've studied that. Second period is maths in class 6B group. Na, beta, Lavishka, 6B, 6B, मैंने नहीं post किया है आज. ना? कि इतने लड्डू जो थे वो दिए हुए थे सेकेंड डे पे. उसने बोला सेकेंड डे जो लड्डू दिए गए थे वो कितने थे? 8 लड्डूज थे. क्वेश्चन में बता रहा है कि लेफ्ट लड्डू गिवन लड्डूज ऑन द सेकेंड डे वाज गिवन लड्डूज ऑन द सेकेंड डे इट वाज 8 ओनली, जो कि पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हमको जस्ट क्या करना है, x upon 6 is equals to 8. जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 8 into 6, मतलब 48. It means x की वैल्यू आ गई कितनी, 48. It means he had 48 लड्डूज इन द बिगिनिंग टू स्टार्ट विथ. नाउ tell me, understood or not? If you have understood, please write it down. Yes, in the chat box, please. If understood, please write it down. Yes, in the chat box. Okay, thank you. ये भी हो गया, लड्डू वाला क्वेश्चन भी हो गया. होमवर्क पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू डू. होमवर्क पार्ट पूरा हो चुका है. अब बचा है केवल लास्ट क्वेश्चन, राजू वाला. एनी अदर क्वेश्चन except Raju related question, any other question which you would like to ask for me? Chalo, ab Raju wala question karte hain, theek hai? I have taken a screenshot of this question which is written on the board. Now let us discuss Raju wala question, phir hum log ka ye chapter aaj khatam ho jayega kam se kam. Bahut din se chal raha hai. Are yaar, ek minute. Yes. Now I am rubbing this one. Raju wala question will get over, then it will be finished. I have moved in this chapter very slowly. Reason behind this is the base of mathematics. And abhi class 7th mein shuru hua hai, class 8th mein aur tough equations aati hain. Fir uske baad class 9th mein bhi ye chapter hai, class 10th mein bhi ye chapter hai. So equation formation is very important part. So remember, that is why I moved this chapter very slowly. But ye chapter tab tak aap se acche se nahi banega jab tak aap isko khud se nahi karenge acche se.
ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं करते, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना अच्छे से क्लियर होगा ये चैप्टर। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आई बिलीव होमवर्क पार्ट। आई एम राइटिंग योर होमवर्क पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट हियर, इट इज टेलिंग राजू इज 19 इयर्स यंगर देन हिज कजिन। देखो ओल्डर और यंगर दोनों के दोनों एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यू नो दैट ओल्डर मतलब होता है वो हमसे उतना बड़ा है और यंगर मतलब होता है वो हमसे उतना छोटा है। ठीक है, तो अगर मैंने ये बोला कि मेरी बहन जो है वो मुझसे 4 साल छोटी है, ठीक है, मेरी बहन जो है वो मुझसे 4 साल यंगर है, इट मीन्स अगर मैं एक्स हूँ, अगर मैं एक्स हूँ तो मेरी बहन कितनी होगी, आप बताइए। अगर मेरी एज एक्स है और मेरी बहन मुझसे 4 साल यंगर है, मतलब 4 साल छोटी है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द एज ऑफ माय सिस्टर? अनन्या एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, प्लीज गेस माय एज। लुक एट योर, माय एज इज एक्स, ठीक है, एंड माय सिस्टर और माय कजिन is 4 years younger than me, then what will be the age of my cousin? Ma'am, I have given answer in chat. Yes, yes, let me see. I want reply from everyone. Yes, Anjali Arya has also given the answer now. And I have got the answer from Alok Anand, Apeksha, Ananya. 4 students, Apeksha, Alok Anand, Anjali Arya, Ritika Agarwal, Aditya Srivastava, or luckily everybody has given the correct answer. Ankita has also given, Amit has also given the answer. Anjali, Amit, sorry, both. Okay, so absolutely correct answer which you people have given it. If my age is X, my cousin is 4 years younger than me, it means my cousin's age would be X minus 4. ठीक है, इट वुड बी एक्स माइनस 4। और अगर सेम चीज अगर आप सबसे सोचकर बताइए कि इफ आई राइट हियर माय कजिन इज 4 इयर्स एल्डर देन मी, व्हाट डू यू राइट देन? इफ आई राइट माय कजिन इज 4 इयर्स ओल्डर देन मी, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ माय कजिन? एब्सोल्युटली करेक्ट, अपेक्षा, अंजलि, अनन्या करेक्ट, अंकिता करेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? इफ माय कजिन इज 4 इयर एल्डर देन मी, वो मुझसे 4 साल बड़ा है या बड़ी है, देन व्हाट वुड बी द एज ऑफ माय कजिन? इट वुड बी एक्स प्लस 4। इट वुड बी एक्स प्लस 4, यस। एंड अगर यंगर है देन एक्स माइनस 4। चलो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल राजू के फॉर्म में करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल राजू के फॉर्म में करते हैं। नाउ इफ यू सी इट इज टेलिंग योर राजू इज 19 इयर्स यंगर देन हिज कजिन, ठीक है, मतलब यहाँ पर पहली बात, ना हमें कजिन पता है ना हमें राजू पता है, लेकिन राजू जो है वो कजिन पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट द एज ऑफ कजिन बी एक्स ईयर, ठीक है, कजिन की एज हमने मान ली एक्स। अब राजू जो है वो 19 इयर्स यंगर है, राजू जो है वो 19 इयर्स यंगर है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एज ऑफ राजू इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ राजू इन दिस क्वेश्चन? वेरी नाइस कैथी, इट वुड बी एक्स माइनस 19। वाई माइनस 19? Because the question is telling that Raju is 19 years younger. 19 years chota hai wo Raju. ठीक है? So यहाँ पर हो गया x minus 19. Very correct. ठीक है? अगर आपने y माना है तो आप y minus 19 ले सकते हो. अगर आपने x माना है तो आप x minus 19 ले सकते हो. अब अगर आपको कल की क्लास याद हो तो आप मुझे देख करके बताओ. It is telling after 5 years. इट मीन्स आफ्टर 5 इयर्स क्या होने वाला है? आफ्टर 5 इयर्स
अब आप सभी लोग जानते हो कि अगर यहाँ पे इसने लिख दिया 5 years, तो 5 years के बाद राजू भी बड़ा हो जाएगा और राजू का कजिन भी बड़ा हो जाएगा, दोनों के दोनों बड़े हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि राजू की एज कितनी होगी और राजू के कजिन की एज कितनी होगी। चलो दोनों निकालो फटाफट खुद से, कल हम लोगों ने किया था। कजिन एज इज इक्वल टू यू टेल मी एंड राजू एज दैट ऑल्सो यू टेल मी। जल्दी बताओ फटाफट, व्हाट शुड बी द आंसर इन कजिन्स एज, व्हाट शुड बी द आंसर इन राजूज एज। वेरी गुड अनन्या, अनन्या सॉल्व करो उसको पूरा, उसको सॉल्व करो और मुझे बताओ, कल की तरह नहीं होना चाहिए, ध्यान दो, ध्यान देकर बताना जरा क्या आएगा। थिंक ऑफ इट, यस करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। अपेक्षा बेटा लास्ट में भी प्लस 5 लिख सकते हो, अपेक्षा सॉल्व करो उसको, अपेक्षा पूरा स्टेटमेंट को सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आएगा। ओके थिंक ऑफ इट, यस यस करेक्ट। ओके अंजलि उसको सॉल्व करो, अंजलि आ रहा उसको सॉल्व करो बेटा, आगे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। बिल्कुल सही, सभी लोग सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है सभी का, बट उसको पूरा सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। देखो मेरी एज अगर आज x है तो 5 साल बाद मेरी एज में 5 ऐड हो जाएगा, हर साल एक ऐड होगा, मतलब 5 साल बाद मेरी एज आज की एज से 5 years ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों के दोनों कंडीशन में 5 5 हम ऐड कर देंगे। तो कजिन जो थे वो कितने थे, कजिन की एज जो क्या थी, x थी। तो यहाँ पर 5 साल बाद मतलब x प्लस 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद राजू कितना था, x माइनस 19 था। अब हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब इट वुड बी नाउ प्लस 5। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस वन, ये तो आगे सॉल्व होने से रहा बिकॉज इट इज ऑलरेडी x प्लस 5, बट इफ यू टॉक अबाउट राजू की एज, इट वुड बी x माइनस 19 प्लस 5, इट विल गिव यू माइनस 14, ठीक है। दोनों की कंडीशन आ गई। Now I have written this. इतना करने पर ही आपको 2 नंबर मिल गए। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, ठीक है, अभी हमने सिर्फ उसका परिचय दिया है, ठीक है। Yes, Ananya, your was also correct and other students were also correct. ठीक है, आप आगे पढ़ते कि क्वेश्चन में हिंट क्या दी जा रही है। क्वेश्चन की हिंट है, after 5 years, their ages will be in the ratio 2:3. 2:3 मतलब राजू और उसके कजिन की। अब देखो क्वेश्चन में राजू का नाम पहले है, राजू इज 19 इयर्स यंगर देन कजिन, मतलब पहले नाम आया है राजू का, फिर नाम आया है उसके कजिन का। तो यहाँ पर बोल रहा है दोनों का रेशियो, तो राजू रहेंगे ऊपर, कजिन रहेंगे नीचे। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राजू और उसके कजिन की एज का रेशियो दिया हुआ है 2:3, मतलब 2:3। अब लेट अस पुट द वैल्यू, राजू की एज कितनी, x माइनस 14। उसके बाद कजिन की एज कितनी, x प्लस 5, जो हमने अभी निकाली है क्योंकि 5 साल बाद की कंडीशन बोल रहा है ना, इज इक्वल टू 2:3, इज इक्वल टू 2:3। जस्ट हैव द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो उस दिन सिखाया था, ये वाला नंबर इधर आएगा, ये वाला नंबर इधर जाएगा, फॉर सॉल्विंग इट विल गिव यू 3x-14 और ये इधर जाएगा, इट विल गिव यू 2x+5। नाउ लेट अस सॉल्व इट, इट विल गिव यू 3x, इट विल गिव यू 42, इट विल गिव यू 2x, इट विल गिव यू 10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस में 2x, यहाँ पर है 10, ये माइनस 42 आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 42। तो 10 प्लस 42 विल गिव यू 52 और 3x में से x जाएगा तो बचेगा x, x इज इक्वल टू 52। बताइए कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो पहले। नो मैम, x इज इक्वल टू 52, यस ओके, x इज इक्वल टू आ गया 52। अब ये तो कौन थे भाई, ये तो कजिन थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में कजिन के साथ साथ उनके छोटे भाई राजू को भी पता करना है,
और राजू कितने थे, राजू 19 इयर्स कम थे, तो राजू की एज हो जाएगी, ये तो कजिन लिख दो यहाँ पे, कजिन एज। नाउ राजूज एज, राजूज एज इज इक्वल टू x माइनस 19, मतलब x से 19 इयर्स छोटा है, तो 52 से 19 इयर्स छोटा है, मतलब कि आंसर आ जाएगा 33 इयर्स। आ गए दोनों के दोनों, कजिन भी आ गया और राजू भी आ गया, ठीक है, खत्म। अब बताइए किसी के मन में कोई कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोग शुरू से एक एक स्टेप क्लियर करते चले हैं, शुरू से ही, ठीक है। अगर अभी भी कहीं पर डाउट लग रहा है आपको, पूरा क्वेश्चन एक बार खुद से देख लो और उसके बाद मुझे बताओ कहीं कोई डाउट है, अगर डाउट है तो यू आस्क, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू लेट मी नो, फिर एक क्वेश्चन मैं खुद से दूंगी, तो मैंने समझाया था उसी पे बेस्ड, देन लेट मी सी कितने लोग कर पाते हैं। Yes. Any problem in this question? Chalo. Good. Fine. So let us. Okay. Okay. Thank you very much, Ananya, for replying. Now I am giving you one question. You try, and till then I will measure that whether it is correct or not. Okay. So I am writing the question on the board. I will request everybody to try this question. It is the pattern of one of the most important, I can tell you. Okay? So, this pattern ko hum log kar bhi chuke hain, and then you will be trying it once more. The sum of three consecutive multiples of 7 is 63. Find the multiples. इस टाइप के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, अब आई वॉन्ट एवरी वन टू सॉल्व इट बाय योर ओन. After solving, let me know what do you get in answer in the chat box only. ठीक है, चल। Are also correct now. Now remember the word three consecutive. सबसे पहले तो it is written here three consecutive. और अगर आपको याद होगा, I have taught you what are consecutive numbers. What are consecutive numbers? One number is x, another number is x plus one, and the second number would be x plus two. ये हो गए तीन consecutive numbers. Now it is telling it is multiple of 7. These are multiple of 7. अगर 7 की जगह कोई और होता तो हम उस और नंबर को दूसरे नंबर को रखते, but here it is telling consecutive multiple of 7. तो यहाँ पर 7, 7 और 7. ये हो गया सबसे पहला step. ठीक है? उसके बाद question is telling कि इनका sum, sum मतलब plus और plus. कितना समय इसका 63, इजी।
अब बताओ ये टफ था क्या? इट इज वेरी इजी. नो मैम. जस्ट नीड टू ओपन द ब्रैकेट. 7 विद x विल गिव यू 7x. 7 से x का 7x, 7 से 1 का 7, 7 से x का 7x, 7 से 2 का 14, 63 का 63. 7x, 7x, 7x which will give you 21x. 14 and 7 mila karke 21 is equals to 63. 21x yahi rahega. 63 minus 21 solve karenge. 3 mein se 1 jayega bachega 2. 6 mein se 2 jayega bachega 4. 21x ka 21 x ki value aa jayegi 42 upon 21 which will give you x ki value 2. Which will give you x की value 2. अब जब x की value 2 आ गई, let us put the value 7x मतलब 7 into 2, 14 आ गया पहला number. फिर 7 into 3, x plus 1 मतलब 2 plus 1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3, 7 3 जा 21, and then 7 4 जा 28. खत्म. Is it okay? Understood or not? Now let me know. Yes or ma'am, please keep one more question. Achha, ek aur de question. But jaldi se karna, bahut der nahi. Okay ma'am. Chalo. चलो सॉल्व इट फास्टर. नाउ इट्स द, अरे यार सॉरी बोर्ड तो देख ही नहीं रहा. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 96. फाइंड द मल्टीपल्स. Yes, Anjali Arya, your answer is absolutely correct, beta. We added together, will give you here 96. 8x plus 8, 8x plus 16 will give you 96. Now 8x will give you 24x. 8 or 6 milakar ho gaya 24 is equals to 96. 24x यही रहेगा. 96 माइनस 24, 6 में से 4 क्या बचा 2, 9 में से 2 क्या बचा 7. 24x, x की वैल्यू आ जाएगी 72 अपॉन 24 विल गिव यू 3. x की वैल्यू आ गई 3. नाउ यू हैव 8, पहला नंबर है 8x मतलब 8 इंटू 3 विल गिव यू 24. नाउ नेक्स्ट नंबर वुड बी 3 की जगह 4. 8 4 जा 32. फिर देन 8 3 4 उसके बाद 5 आता है तो 8 5 जा 40. बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट कंसेक्यूटिव नंबर्स तो एक हो जाएगा 24, दूसरा हो जाएगा 32, तीसरा हो जाएगा 40. खत्म. ठीक है मैम, आई सेंड दिस टू यू. यू मे लीव. ठीक है, द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड.